सिवनी कोतवाली पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा खिलाने और लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान सिवनी एएसपी गोपाल खांडल ने बताया कि सिंधिया चौक के पास एक मकान में दो व्यक्तियों द्वारा आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खिलाने की जानकारी मिली थी। सट्टा खिलाने वाले दो लोगों को पकड़ा गया है, जबकि सट्टा खेलने वाले 6 रजिस्टर्ड लोगों में से 4 लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी रुपयों के साथ ही सैटेलाइट एचडी बॉक्स, एलसीडी टीवी, मोबाइल सेट, लैंडलाइन फोन, लैपटॉप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की है। सिवनी से नीलेश स्थापक की रिपोर्ट। सिंधिया चौक के पास एक मकान में दो व्यक्ति आईपीएल का सट्टा खिला रहे हैं। मैचेस थे, इन दोनों ही मैचों में आईपीएल का सट्टा धर्मेंद्र बैस और विक्की ठाकुर ये दोनों ही खिला रहे थे। ये सभी मौके पर उन्होंने घेराबंदी करके रेड किया। रेड करने पर ये दोनों ही व्यक्ति आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए हैं। इनसे करीब 65,000 रुपये का पूरा हिसाब सट्टे का जब्त किया गया है और करीब 2200 रुपये इनसे नकद जब्त किए गए हैं। आईपीएल सट्टा में प्रयुक्त होने वाले लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, कार्ड, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सभी जब्त की गई हैं। और इसमें एक विशेष बात यह है कि 6 व्यक्ति जो आईपीएल का सट्टा इनसे खेल रहे थे, जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, इन 6 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर इसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं और इनके विरुद्ध थाना कोतवाली में 4 का सट्टा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और शेष 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।